प्रेग्नेंट है और समझ नहीं आ रहा है कि बालों को धोएं या ना धोएं, क्योंकि बहुत सारे घरों में मान्यता होती है कि 7वें महीने से पहले आपको बालों को नहीं धोना है, या कई घरों में कहा जाता है कि आपको 10-15 दिन तक बालों को नहीं धोना है, जिसकी वजह से बालों में से स्मेल आने लगती है, कई लोगों को जुएं पड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, गंदगी जम जाती है बालों के अंदर। तो इस परेशानी से कैसे बचेंगे? देखिए, इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में बालों को धोते हैं तो आपके बच्चे को किसी भी तरह का हार्म पहुंचता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मान्यता सिर्फ इस आधार पर बनाई गई है कि अगर आप जल्दी जल्दी हेयर वॉश करते हैं तो आपको सर्दी खांसी हो सकती है, और अगर आप और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय आप सर्दी खांसी की दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। तो जब भी आप बालों को धोएं तो पानी का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी से आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, और अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश करेंगे तो आपके बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए आपको पानी के जो टेम्परेचर का है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको हेयर वॉश करने के लिए हर्बल शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना है या फिर आप रीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीठा एक नेचुरल सोप होता है जिससे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप बेबी शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें, और आप एवरी थर्ड डे हेयर वॉश कर सकते हैं। जैसा भी आपका रेगुलर रूटीन रहता है आप वैसे हेयर वॉश कर सकते हैं, आपके बेबी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। So that's all for today. If you like the video, do like, share and subscribe.